Hello everyone. As you all know that I am doing history previous year questions, and this question is from the IAS prelims exam. Okay, so I have already completed for the year 1989. So today we are going to see the question of 1990. Okay, so this is about myself. So let's start today's lecture. Okay, so the first question is, who among the following was a revolutionary who later turned into a yogi and philosopher? Okay, so pehle yogi the, then he became a philosopher. Okay, so who was that? Bal Gangadhar Tilak, Arvind Ghosh, Lala Lajpat Rai, okay, Agarkar. Okay, so agar aap padhe honge history to aapko pata hoga, its answer is actually A, Bal Gangadhar Tilak. ओके, देखिए ये एक्चुअली रिवोल्यूशनरी थे. इनकी अंग्रेजों ने खूब अच्छे से पिटाई उटाई की थी अच्छे से, और बाद में ये फिलोसोफर बन गए. ओके, उसमें सारे रिवोल्यूशनरी को ये अंग्रेज पीटा करते थे, उन्हें पकड़ के जेल में डाल देते थे, कुछ भी ये करते थे. तो ये चीज़ चलती रहती थी. तो बाद में ये ही फ्रॉम योगी टू ही बिकम अ फिलोसोफर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1989 बहादुर प्रसाद ब्रोक अ टू डिकेट्स ओल्ड नेशनल एथलेटिक्स रिकॉर्ड एस्टैब्लिश अर्लियर बाय. ओके, देखिए ये 1990 के क्वेश्चन है. ओके, 1989 में कुछ हुआ होगा, ये बहादुर प्रसाद ने इनको इन्होंने जो भी नेशनल एथलीट रिकॉर्ड है उसको तोड़ा था. ओके, तो किसका तोड़ा था ये, दे आर आस्किंग. ओके, सो मीका सिंह, एडवर्ड स्क्वेरियर स्क्वेरा, ओके, श्रीराम सिंह एंड शिवनाथ सिंह. ओके, सो दिस इज लाइक अ करेंट अफेयर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो नो प्रॉब्लम. ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मीन या रिलेटेड टू करेंट अफेयर टाइप का. तो इट्स आंसर इज एक्चुअली पी, एडवर्ड. ओके, सो इट्स आंसर इज पी. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नो चेंजर? ओके, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू. ओके, नो चेंजर, सो इट्स एक्चुअली मोतीलाल नेहरू. फाइन, नेक्स्ट, द आईएनए वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट रंगून, सिंगापुर, ताइवान, टोक्यो. इट्स आंसर इज एक्चुअली बी, सिंगापुर. जो आईएनए ऑर्गेनाइजेशन है उसको आईएनए वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगापुर. ओके, तो देखिए मैच लिस्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. ओके, सो बट विल ट्राई टू सॉल्व दैट. सोशल रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. ओके, सो ओके, केशव चंद्र सेन, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवेन, परमहंस पाल हरी, ओके, साधारण, ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा. ओके, सो इससे हमको मैच, सो लेट्स सी द आंसर. ओके, सो सी द केशव चंद्र सेन, ही वॉज रिलेटेड टू साधारण ब्रह्म समाज. हेनरी विवेन इज रिलेटेड टू यंग बंगाल. ओके, गोपाल हरि देशमुख, ही वॉज रिलेटेड टू परमहंस मंडली. ओके, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा. ये आपको पता होगा. ओके, सो इफ यू नो दिस फोर्थ वन, मीन डी, तो इसमें देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा. ओके, और इसमें एक और मैच करा दोगे तो आपके बाकी भी हो जाएंगे. ओके, सो एनीवे, आई हैव ऑलरेडी मैच ऑल, इट्स आंसर इज एक्चुअली डी. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें देखिए इसको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. ओके, तो इसको हमको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में. ओके, सिंह सभा मूवमेंट, क्विक इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट. ओके,
सो द फर्स्ट नंबर इज पहले सबसे वेदर इट इज यू नो सिंह सभा मूवमेंट देन गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट एंड आफ्टर दैट दांडी मार्च एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट. सबसे लास्ट में क्विट इंडिया हुआ था. इट्स आंसर इज ए. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहे हो. इसको भी हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में करना है. हंटर कमीशन, चार्ल्स वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन, रिले कमीशन. ओके सो इसमें सबसे पहले हुआ था चार्ल्स वुड डिस्पैच, उसके बाद हंटर कमीशन, देन रिले कमीशन, आफ्टर दैट सैडलर कमीशन. सो इट्स आंसर इज बी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ तुगलक पीरियड. ओके सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग दिस. ओके सो तुगलक पीरियड के बारे में पूछ रहा है. सॉपिंग वॉल्स, डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कंबाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क, द लिंटल एंड द बीम इन द बिल्डिंग्स. ओके तो उस समय देखिए जो भी उन्होंने आर्किटेक्ट वगैरह जो बनाया था तुगलक पीरियड के, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा सही है. प्लेसिंग द बिल्डिंग स्पेशली द थॉम ऑन हाई प्लेटफॉर्म. ओके तो देखिए ये मुगल का जो भी ना आर्किटेक्चर होता था उससे रिलेटेड है. उसमें जो भी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी वही सब रहेगा इसमें. इट्स एक्चुअली सी स्लोपिंग वॉल होता था एंड दिस प्लेसिंग द बिल्डिंग स्पेशली द टॉम ऑन हाई प्लेटफॉर्म. यस ये होता था. और ये थर्ड इस जो सेकंड है नो दिस प्लेसिंग द बिल्डिंग स्पेशली द टॉम एट हायर प्लेटफॉर्म. एक्चुअली नहीं ये चीज़ नहीं होता बिकॉज इस टाइप का आप ना हड़प्पन वगैरह में सुनते थे. ये चीज़ नहीं होती. दिस इज थर्ड इज रॉन्ग. देखिए अगर आपका थर्ड गलत है तो बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग. ओके सेकंड करेक्ट है डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कंबाइन प्रिंसिपल ऑफ आर्क, द लिंटल एंड द बीम इन द बिल्डिंग. यस दिस इज करेक्ट. ये दोनों चीज़ें होती थी. अगर आप पढ़ोगे तुगलक पीरियड के बारे में तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी. तो आंसर इज डी. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन मिशंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. ओके तो कौन कौन लोग आए थे उसका करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है. थॉमस रॉय, तेवर्नीर, रुडोल्फ, एक्वाविवा जो भी है. ओके सो आंसर इज एक्चुअली सबसे पहले आया था रुडोल्फ एक्वाविवा, देन थॉमस रॉय, देन तेवर्नीर. Okay, so its answer is D.